अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम जा रहे हैं अजमेर, बहुत ही खुशी हो रही है अजमेर जाने की। तो अभी एक घंटे में आए हुए हैं हम, तो अभी बाकी अपडेट बाद में देंगे। अभी बहुत खुशी हो रही है, चलो चलते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया नज़ारा, देखो जाते जाते समय का बहुत ही बढ़िया नज़ारा, माशाल्लाह खूबसूरत है। तो दोस्तों हमें लगता है कि जाते जाते हमें रात हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नज़ारा बहुत बढ़िया है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम आ गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या मेरे पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, करम कीजिए हम गुलामों पे। और जो हमारे दोस्त यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, तो अपने करम से उन गुलामों को भी बुलवा लीजिए। या मोइनुद्दीन करम कीजिए। तो माशाल्लाह दोस्तों आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह हम वीडियो मुकम्मल दिखाएंगे। अभी रात है, फिर सुबह होने के बाद में हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए तारागढ़, वहाँ पर दरगाह है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी दरगाह वहाँ पर। तो इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखें भाई, स्किप ना करें बिल्कुल भी। अभी ये मरकज़ में है हम, यहाँ पर कव्वाली हो रही है, तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया अच्छा कलाम पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। और ये चलते हैं देख की तरफ को, यहाँ पर लोग बहुत ही अपने पसंद से पैसे डालते हैं। और इंशाल्लाह सुबह होते ही ये माशाल्लाह सुबह का नज़ारा माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम या ख्वाजा फरीदाबाद चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, हम गुलामों की हाजिरी कबूल कीजिए। और हमारे जो दोस्त यहाँ नहीं आ पाए हैं, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी अपनी बारगाह में आने का शर्फ हासिल। जो भी दोस्त यहाँ अभी नहीं आ पाए हैं, तो या ख्वाजा गरीब नवाज करम कीजिए, वो भी यहाँ पे आए और आपके दरबार में आए। तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, खूबसूरत है। और फिर चलते चलते पहले नंबर पर अब हम चलेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह से, ये ढाई दिन के झोपड़े की तरफ। तो ये है ढाई दिन का झोपड़ा, तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया इसके अंदर लिखाई वो भी है बहुत ही बारीकी से, और माशाल्लाह बहुत बढ़िया। लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए। ये अंदर का है, ये इनके जो हर एक पिलर पे लिखाई हो रही है और टेक्नोलॉजी टाइप की। तो अब चलते हैं तारागढ़ की तरफ। तो माशाल्लाह हम आ चुके हैं, दिख जाएगा ऐसा कुछ ना, अरे जाना पड़ेगा ये आना सागर, वहाँ से दिख रहा है पहाड़ी पहाड़ है भाई, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया नज़ारा, दिल तो खुश हो गया पर थक पूरे गए भाई। तो फाइनली भाई अभी हम आधे रास्ते पाए हैं भाई, माशाल्लाह वही हम पूरे हाँप गए हैं भाई। हम ऐसे नहीं कर रहे कहें, तारागढ़ आने के बाद में तुम देखना कि कितनी मेहनत लगती है भाई चढ़ने में। बहुत नीचे से आए हैं और बहुत ही कठिन है चढ़ना भाई इस पर, ठोस सीधा ऊपर को है। कुछ और बंदे हमारे साथ में, और माशाल्लाह हम अभी टॉप पे आ चुके हैं, अभी फुल नहीं आ पाए हैं। और यहाँ से जो है आना सागर दिख लगा है, तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया व्यू है। देखना कभी आप भी आना अजमेर और तारागढ़ पर चढ़ के जाना भाई, और बहुत पहाड़ हैं। अभी यहाँ खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। करबला का सबक है भूल सब। तो माशाल्लाह तारागढ़ के जो ऊपर की जो दरगाह है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। एक बार देखना भाई, दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं, इंशाल्लाह जल्द ही पहुँचने वाले हैं, और पहुँचने के बाद में जब हम दिखाएंगे आपको तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं ऊपर को। तो फाइनली हम आ गए हैं तारागढ़ पर, ये तारागढ़ का एक नंबर का व्यू, और तारागढ़ से सपा दिख गया ये आना सागर, बहुत ही बढ़िया नज़ारा माशाल्लाह। कभी आप भी आना है घूमने के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं दरगाह की तरफ, अब टॉप पे तो आ गए हैं हम,
तो अब चलते हैं दरगाह की तरफ। तो माशाल्लाह दरगाह बहुत ही प्यारी दरगाह है इंशाल्लाह। तो ये है दरगाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह बहुत ही प्यारी। अस्सलामु अलैकुम या सैयद मीर अली। तो भाई साहब कोई कोई दिखाता है ऐसी वीडियो, इंशाल्लाह हमने मुकम्मल वीडियो दिखाई है। और ये यहाँ पर जो है तारागढ़ के ऊपर यहाँ पर एक करबला का नक्शा बना हुआ है यहाँ पर एक। तो ये हम आ गए सैयद मीर अली की दरगाह के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है, इंशाल्लाह आपको देख कर दिल खुश हो जाएगा आपका भी। तो देखें इंशाल्लाह हम चलते हैं अंदर और हमारे और दोस्त इधर हैं, इधर चले गए भाई। तो भाइयों यहाँ की एक ही खासियत है, जो एक बार बंदा यहाँ पर आता है तो इंशाल्लाह वो बार बार आता है, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा है यहाँ पर। एक यहाँ पर आने के बाद में इस तरीके से लगता है जैसे कि हम करबला शरीफ चले गए हैं। तो ये सैयद मीर अली की दरगाह के अंदर अभी हम चलते हैं और हमारे दोस्त ये हंगे एक दोस्त ये हैं हमारे और एक वो है मुस्तफ़ा भाई। धूप में थोड़ा सा चले भाई अंदर चलते हैं। चलो इधर को आओ, चलो ज़ियारत करने के बाद चलते हैं बाहर। माशाल्लाह बाहर का नज़ारा देखो, ये तलवार ज़ुल्फ़िकार है। ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, माशाल्लाह। दम हम दम अली अली, दम हम दम अली अली, दम हम दम अली अली। तो ये दरगाह सेम दिख गई बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है भाई यहाँ आने के बाद में जैसे कि करबला शरीफ हम आ गए हैं। बढ़िया बताओ कौन सी दरगाह है, करबला है ये? बहुत ही बढ़िया नज़ारा है माशाल्लाह, बहुत ही दिल खुश हो रहा भाई। कभी आप आना इमाम तो है आप ही बताना, देखो खुद ही आप बताएंगे कि हाँ माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ का एक अलग ही नज़ारा है माशाल्लाह, दिल खुश हो जाता आने के बाद में। तो अभी यहाँ अंदर चलते हैं माशाल्लाह, अंदर का भी बहुत बढ़िया नज़ारा है। इश्क के सजदे तेरे दर पे मैं हजार करूं, अरे इधर को हम सुन ले, तेरा दीदार करूं, मैं जाना एक बार करूं। वाह माशाल्लाह बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है भाई जैसे करबला शरीफ हम आ गए। बात होंगे पहले उम्मीद लेकर मैं तुम्हारे दर पर आया हूँ, बड़े उम्मीद लेकर मैं तुम्हारे। या अली शाहों से भी आला है तेरे दर के गदागर, करते हैं गुलामी तेरी दुनिया के सिकंदर, आला है अमीरों से फकीरों के मुकद्दर, और जन्नत के हैं ताजिर तेरी दहलीज के नौकर। ओ नारे हैदरी मौला, नारे खैबरी मौला, मन कुंतु मौला, मौला मन कुंतु मौला। कि तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में। तो माशाल्लाह ये है ढाई दिन का झोपड़ा, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। तो आप तारागढ़ पे जब आएंगे तो ये सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया। दिल खुश हो गया हमारा देखने के बाद में, और आपको भी जितने भी हमारे ये फॉलोवर्स हैं और जो अनफॉलोवर्स हैं भाई वो देखेंगे इंशाल्लाह, तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की। तो भाई माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद में अब हम तारागढ़ पर तो पूरे घूम चुके हैं, अब इंशाल्लाह अब हम नीचे चलेंगे तो नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये आना सागर है, आना सागर यहाँ से दिख रहा है साफ। तो अब इंशाल्लाह अब उतरने की कोशिश करते हैं, अब हल्का हल्का हम नीचे उतरेंगे अब। तो
अब माशाल्लाह ये नीचे उतरने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करी हमने। ये है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है यहाँ से। अभी भी हम ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं, अभी थोड़े से उतरे हैं नीचे को। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और हमारा तो बहुत दिल लग रहा है यहाँ पर, दिल कर रहा है कि भाई घूम चल रहा है। पर वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर इसलिए हम थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखा रहे हैं। करम कीजिए या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह परिंदों का क्या नज़ारा है, परिंदे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इस तरह से गोल गोल घूम रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम चलेंगे यहाँ से उतरने के बाद में सीधा आना सागर की तरफ। तो ये है आना सागर, ये वही आना सागर है जिस पानी से कहा था मेरे ख्वाजा ने के कासे में समा जा, तो सारा आना सागर के कासे में समा गया था। तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। तो अब इसके बाद में चलेंगे फिर दरगाह की जानिब। तो चलते हैं दरगाह। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी हाज़िरी कबूल कीजिए। अब हम चलते हैं अपने घर, हमारी हाज़िरी कबूल कीजिए, हमारा आना कबूल कीजिए, हमारा जाना कबूल कीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं बुलंद दरवाज़े की तरफ। तो ये बाहर का गेट है, तो माशाल्लाह बहुत ही भीड़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ है। तो दोस्तों चलते हैं अब घर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।